This session is being recorded, and this is Sir Sibur Rahman. This is our second lecture of workshop, and I always advise everyone that if you want to join this course, first join 3 days free workshop, attend these four lectures, lecture 1, 2, 3, 4, and appear in 4 tests. एंड देन बी माई अ पार्ट ऑफ माई रेगुलर कोर्स. हमने इससे पहले वाले सेशन में आज जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें हमने फ्रेज को स्टडी किया था, वॉट इज फ्रेज. फिर आपके सामने बहुत सारी एग्जाम्पल्स मैंने शेयर की थी, अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं. मैंने इसको बहुत अच्छा फॉर्मेटेड कर दिया, तो अब आप अपने पास अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं. नाउन फ्रेजेज अगर आप देखें क्या होते हैं, आ, एन और द से ये स्टार्ट हो रहे होते हैं. They are called noun phrase. अगर हम prepositional phrase की बात करते हैं, हम कुछ words को जोड़ देते हैं, उसमें अक्सर देखा जाए तो एक preposition होता है, एक article होता है और कोई भी noun होता है, तो they are called prepositional phrase. अगर आप देखें prepositional phrase कहाँ कहाँ से start हो रहे हैं, एक screenshot ले लीजिए ताकि आप इसको अपने पास notebook में add कर सकें. ठीक है, हमने phrase के बाद बात की थी clause के ऊपर. हमने दो तरह के क्लॉजेस को डिस्कस किया, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज बेसिकली क्या होता है, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें, मैंने आपके लिए बहुत सारे इंडिपेंडेंट क्लॉजेस और बहुत सारे डिपेंडेंट क्लॉजेस को लिख दिया. आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लीजिए, ये लाइव एंड एक्सक्लूसिव आपको मिल रहा है, आपकी नोटबुक में नजर नहीं आएगा आपको. इंडिपेंडेंट क्लॉज देखें एक सेंटेंस होता है, आप किसी भी एक सेंटेंस को इंडिपेंडेंट क्लॉज कह सकते हैं, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन स्टैंड अलोन. आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को अकेले इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक मुकम्मल सेंटेंस होता है. लेकिन बेटा जब डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं, गौर से देखिएगा, जब हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करते हैं तो जितने भी सेंटेंसेस लिखे हुए हैं आपके सामने, मेरे जबान से सेंटेंस निकल रहा है ये भी गलत है, जितने भी क्लॉजेस लिखे हैं वो अधूरे हैं. क्योंकि जब मैंने ये कह दिया सेंटेंस, इट मींस इट इज अ कंप्लीट थॉट, बट व्हेन आई वाज यंग दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, दिस इज नॉट गिविंग यू अ कंप्लीट मीनिंग. आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं. ठीक है बेटा, याद आया जो दोपहर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसी के ऊपर आप लोगों ने टेस्ट भी दिया है. फिर हम लोगों ने सेंटेंस को डिस्कस किया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, और फिर आप लोगों ने एक एक्सरसाइज सॉल्व की घर पे. एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद आपने उसके आंसर्स को क्रॉस चेक किया, और अब आज के जो सेशन का असल टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस. अब वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस क्या है? तमाम स्टूडेंट्स की भरपूर तवज्जा, अगर आप में से कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है जो आने वाले वक्तों में IELTS एग्जाम में अपेयर होने जा रहा है, तो याद रखें ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि IELTS के अंदर 4 चीजों के मार्क्स मिलते हैं, जिसमें से एक चीज जो है वो ये है, वेरिएशन ऑफ अ सेंटेंस. आपकी राइटिंग और आपकी स्पीकिंग में वेरिएशन गोरे को चाहिए. हम लोग जो बेसिक इंग्लिश जो आप लोग कहते हैं ना, मैं बिगनर्स लेवल के ऊपर इंग्लिश बोलती हूँ, मैं इंटरमीडिएट लेवल पर बोलती हूँ, तो आपकी जो सेंटेंस की फॉर्मेशन है यानी वेरिएशन है वो सिंपल होती है. आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे कहीं मेरी आवाज अगर कहीं ड्रॉप हो तो मुझे चैट में जरूर बता दिया करें, ठीक है ना, तो मैं सबसे फीडबैक ले लेता हूँ. इफ माई वॉइस इज ड्रॉपिंग, वैसे तो अभी कहीं ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे, लेकिन इफ माई वॉइस ड्रॉप्स डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. अब देखिए मेरी इस सेंटेंस को सुनिएगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock. बताइए मैंने जो सेंटेंस इस्तेमाल किया, इस सेंटेंस को गोरा क्या कह रहा है? आई गेट अप early in the morning at I get up at 7 o'clock. मैं इस सेंटेंस को क्या कहूंगा बताइए. I get up at 7 o'clock. Is this a simple sentence?
क्या मैं इसको सिंपल सेंटेंस कह सकता हूं? आई गेट अप एट 7 o'clock. आई टेक शार. आई टेक अ शार. आई टेक अ शार. ये मैंने दो कौन से सेंटेंसेस लिखे हैं? ये दो सेंटेंसेस मैंने कौन से लिखे हैं? आप इसको क्या कहेंगे? आसान सी बात है, बहुत आसान अंग्रेजी पढ़ाता हूँ सर. आपके बाइक्स की सर्विसेज ऑन हुई हुई, आप टैप करके बोल सकते हैं. सर दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. आई गेट अप एट 7 o'clock. आई टेक अ शावर. आई गेट रेडी. आई गेट रेडी फॉर स्कूल, फॉर यूनिवर्सिटी. आई गेट रेडी फॉर माई क्लास, फॉर यूनिवर्सिटी. आई गेट रेडी फॉर वर्क. आई लीव होम. आई लीव. अब ये जितने भी मैं सेंटेंसेस लिख रहा हूं, मेरी इंग्लिश का जो लेवल है वो क्या है? आई लीव होम एट 8:30 AM. मैंने जितने भी सेंटेंसेस लिखे हैं, दे ऑल आर सिंपल सेंटेंसेस. आपकी लाइव एंड एक्सक्लूसिव में आपके सामने लिख रहा हूं. अब मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में थोड़ी सी एडवांसमेंट आ जाए. आप दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ दें. जब आप दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो वो बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस. क्या बन जाता है? कंपाउंड सेंटेंस. दो सिंपल सेंटेंसेस को आप जोड़ दीजिए, इट बिकम्स अ कंपाउंड सेंटेंस. लेकिन आपको एक हकीकत बता रहा हूं, आपको एक परेशानी आएगी. वो परेशानी क्या है? जब आप कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो आपको देखिए क्या इस्तेमाल करना पड़ता है. कोई बता सकता है कि ये क्या कहलाते हैं? Can anybody tell me? ये क्या है? किसी की नॉलेज में है? ये क्या लगा रहे हैं बीच में? दो सेंटेंसेस को किसकी मदद से आप लोग जोड़ते हैं? वेरी गुड मारो. यस, इसको हम क्या कहते हैं भाई? सॉरी, आ जवाब हमारी. वेरी गुड इरम. इसको हम कहते हैं कंजंक्शंस. अब ये इसकी नॉलेज बहुत खराब है हमारे स्टूडेंट्स की. लोगों को कंजंक्शंस का इस्तेमाल नहीं आता. वेरी गुड अरीबा. जब दो सेंटेंसेस को आप जोड़ेंगे, आपको ये तो समझ आ गया कि इट इज अ कंपाउंड सेंटेंस. बट रिमेंबर, कीप वन थिंग इन योर माइंड दैट यू नीड कंजंक्शंस टू कंबाइन योर सेंटेंस. मैं आपको बहुत सारे भी एग्जाम्पल्स भी दे दूंगा कि आप कहेंगे कि हाँ सर, ये बात समझ आ गई. दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. आइए, अब आप लोगों ने ये जो बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस जोड़े थे, हम इसको जोड़ सकते हैं. आई गेट अप एट 7 o'clock एंड टेक अ शावर. अब ये मैंने अपनी लैंग्वेज के लेवल को थोड़ा सा बेहतर कर दिया. अब मैं बिगिनर लेवल के ऊपर नहीं था, अब मैं आ गया थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल की तरफ जाता नजर आ रहा. आई गेट रेडी फॉर वर्क एंड लीव होम एट 8:30. मैंने दो कंपाउंड सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर लिया. सही है? सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, आपके सामने आ गया. अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अभी आप देखें, जो आज मैंने अभी आज के सेशन में भी मैंने एक रिव्यू आपको दिया था, अगर आपको वो याद होगा तो आप फौरन बता देंगे, बताइए ये क्या है. अब देखिए, गौर से देखिएगा. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आपको एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होता है
और एक आपको डिपेंडेंट क्लॉज चाहिए होता है। अभी मैंने सिखाया है, बताया है कि डिपेंडेंट क्लॉजेस क्या होते हैं, मैंने उसकी बहुत सारी आपको एग्जांपल्स भी दे दी है, स्क्रीनशॉट भी ले लिया। ये रहा डिपेंडेंट क्लॉज, ये रहा डिपेंडेंट क्लॉज। सबको पता है ना डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? इससे पहले वाले सेशन में बहुत डिटेल में बात की थी। डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज अल्फाजों का ऐसा कॉम्बिनेशन जो अधूरा ही रहता है। उसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, लेकिन आपकी बात अधूरी होती है। इफ यू नीड असिस्टेंस, अनलेस ही वेयर्स प्रॉपर शूज बिकॉज इट वॉज रेनिंग वाइल वॉचिंग हर फेवरेट टीवी शो। क्या हो गया ये? इट इज कॉल्ड डिपेंडेंट क्लॉज। अब इसमें जब आपने इंडिपेंडेंट को जोड़ दिया तो ये जुमला क्या बन गया? ये बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब मैं चाह रहा हूं, मैंने भी आपके सामने लाइव एंड एक्सक्लूसिव एक सेंटेंस लिखा था। मैं चाह रहा हूं कि मैं इस सेंटेंस को किसी तरह से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कर दूं। आई गेट अप एट 7 o'clock एंड टेक अ शावर व्हेन आई हैव टू गो टू वर्क। अब आप ये देखिए, मैंने इस सेंटेंस को, इसमें से मैं ये हटा देता हूं और आई गेट अप एट 7 o'clock इफ इफ आई हैव टू, अगर मुझे ऑफिस जाना होता है, इफ आई हैव टू गो टू वर्क, अगर मुझे काम पे जाना होता है। अगर तो मैंने देखिए इस तरह से सेंटेंस को जोड़ा आपके सामने लाइव एंड एक्सक्लूसिव मैंने जोड़ा है, ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स। अब आपकी जिंदगी में आ रहा है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब अभी अभी ताजा ताजा आप लोगों ने पढ़ा है कि कंपाउंड क्या होता है, मैंने आपके सामने दोबारा वही एग्जाम्पल लिखी कंपाउंड। ये हो गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। गौर से देखिएगा, एक लम्हे में सारी चीजें बदल जाएगी। ये कंपाउंड सेंटेंस है। अब मैं अगर इसके अंदर एक डिपेंडेंट क्लॉज लगा दूं, सिर्फ एक डिपेंडेंट क्लॉज, इफ आई हैव टू गो टू वर्क, अब मैंने इसके अंदर सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ दिया। जब मैंने एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा, ये लीजिए, तो ये बन गया अब आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। चेक करें, नीचे भी आप देखें, शी वेंट टू द स्टोर बट आई स्टेड एट होम, ये कंपाउंड सेंटेंस है। मैंने इसके आगे एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ दिया। जब मैंने एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ा तो ये बन गया कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। दे स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम बट दे डिड नॉट परफॉर्म वेल। देखिए मैंने क्या किया, मैंने जो है दो कंपाउंड सेंटेंसेस को जोड़ा और उसके आगे एक डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ दिया। अगर मैं भी समझ आई बात, अगर मैं आपसे पूछूं, एक एक्सरसाइज मैं आपको दूं, मैंने आपको बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी आपके लिए लिखी है और चैट जीपीटी का इस्तेमाल जब आप करते हैं तो आपके लिए ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप, मैंने कहा सिंपल सेंटेंस, तो ये देखिए आपके पास मोबाइल फोन में आप चैट जीपीटी डाउनलोड कर लीजिए। कहीं पर भी आप स्टक हुआ करें तो आप सिर्फ सिर्फ कहाँ जाएंगे, आप अपने मोबाइल फोन की एप्लीकेशन में चले जाइए, वरना आप सिर्फ क्या करें, ये देखिए आप चैट जीपीटी लिखें। चैट जीपीटी के ऊपर जाकर मैंने कहा मुझे सिंपल सेंटेंसेस समझ नहीं आ रहे, तो मैंने क्या करता हूं, मैंने कहा गिव मी 30 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। आपके जीमेल से आपका चैट जीपीटी कनेक्ट हो जाता है और जैसे ही आप इसके ऊपर जो भी आप इसको कहते हैं ये आपको लिख करके दे देता है। सो पहले आप लोग वेबसाइट्स को सर्च करते थे, अब वेबसाइट्स फौत होना शुरू हो चुकी है, अब हर चीज चैट जीबीटी पे लोग सर्च करते हैं। मैंने बहुत अब वेबसाइट्स पे जाना छोड़ दिया ना, आई यूज टू सर्च सो मेनी थिंग्स ऑन वेबसाइट बट सिंस चैट जीबीटी केम नाउ आई एम वर्किंग ऑन इट। ठीक है जी, जैसे ही खुलते हैं मैं भी आपसे शेयर करता हूँ। अब आपके पास देखिए बहुत सारे सिंपल सेंटेंसेस आ गए, ये सिंपल सेंटेंसेस, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें, ये आपकी नोटबुक में आपको नहीं मिलेगा। मेरे नोट्स अपडेट होते रहते हैं, हर साल
मेरी एक नोट्स की नई कॉपी आती है, अभी जो आपके पास कॉपी है वो इस साल की है, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें, सिंपल सेंटेंसेस। अब मैंने कहा मुझे कंपाउंड सेंटेंसेस देखे, गौर से देखें आप अपनी स्क्रीन को, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये लीजिए, ये देखें कंपाउंड सेंटेंस। अब आप ये सारे देखें, बट सो एंड येट, येट एंड बट एंड बट येट सो एंड येट, सारे मैंने ये कंपाउंड सेंटेंसेस लिखे। कंपाउंड सेंटेंसेस को आप कंजंक्शन की मदद से जोड़ते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, देखो आफ्टर, ऑल्दो, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, बिकॉज, सिंस, आफ्टर, बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, आफ्टर, ये सब कौन से क्लॉजेस आ गए, डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को मैंने किसके साथ जोड़ दिया, एक इंडिपेंडेंट के साथ, बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ, ये देखो खुद देखो अपनी आंखों से, हर फोन रैंग बट शी इग्नोर्ड, हर फोन रैंग बट शी इग्नोर्ड, बिकॉज शी वॉन्टेड टू फोकस, बिकॉज यही बन गया आपका कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। उससे पहले भी एक क्लॉज आ गया, देखिए, व्हाइल शी वॉज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, आफ्टर ही फिनिश्ड हिज डिनर ही वेंट फॉर अ वॉक, एंड वेन ही रिटर्न ही फाउंड दैट हिज कार हैड नॉक्ड ओवर अ वाज, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड फ्रॉम वर्क शी वेंट टू द जिम वेयर शी मेट हर फ्रेंड एंड दे डिसाइडेड टू ग्रैब डिनर आफ्टरवर्ड्स। दो आपने सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ा पहले, दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ने के बाद, ये देखो इधर देखो गौर से देखो, वेयर शी मेट हर फ्रेंड एंड दे डिसाइडेड टू ग्रैब द डिनर, शी वेंट टू द जिम, शी वेंट टू द जिम, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड। जब आप तीन सेंटेंसेस को जोड़ देते हैं तो वो बन जाते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। लेकिन याद रखिएगा, उसमें दो आपके पास कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं और एक आपके पास डिपेंडेंट क्लॉज होता है, ठीक है, बात समझ आ रही है। अगर मैं आपसे, अभी एक एक्सरसाइज आपके सामने आ रही है, मैं अगर आपसे पूछूं तो आप मुझे बता देंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। चलिए वन डॉट करके लिखिएगा कि ये सिंपल सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है, या ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है। वन डॉट करके लिखिएगा। वेरी गुड अरिबा, शी लव्स टू सिंग, शी लव्स टू सिंग। मैं अपना इंटरनेट स्विच कर रहा हूं, 5 4 3 2 1 0। मुझे कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज पहले से ज्यादा अच्छी हो गई है। वन डॉट करके लिखिए, वेरी गुड मारो। टू डॉट करके लिखिए, आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम ग्रोसरीज, आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम ग्रोसरीज, आई वेंट टू द स्टोर, वेरी गुड शगुफ्ता, यू आर सो क्विक, मरियम वेरी गुड। वेरी गुड, आई वेंट टू द स्टोर, यस, वेरी गुड, कंपाउंड सेंटेंस। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस को पहचानने का तरीका यही है कि बीच में कंजंक्शन नजर आए, ठीक है। नंबर थ्री को देखिए, अच्छा नंबर थ्री के अंदर आपको एक, उसको डिपेंडेंट क्लॉज आपको नजर आ गया तो आप फौरन समझ जाए सर ये कौन सा सेंटेंस है। डिपेंडेंट क्लॉज जहां दिखा, नंबर थ्री, थ्री डॉट करके लिखिएगा। वेरी गुड मरियम, यू आर सो क्विक, वेरी गुड मारो।
Ariba, very good. Complex sentence. He likes to play basketball, but he does not enjoy football. He likes to play basketball, but लग रहा है बीच में कंजंक्शन आ रहा है, पहचान जाए. सर इट्स अ कंपाउंड सेंटेंस. वेरी गुड. मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे सबके आगे मेंशन करेंगे और आखिर में क्रॉस चेक करेंगे कि आपने इन 50 सेंटेंसेस को सही बताया या नहीं बताया. अच्छा देखो, जो मैं कहता हूं वो कर लिया करो, वरना पेपर में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे. आप इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस के बाद एक्सरसाइज टेस्ट करेंगे तो आपके मार्क्स पूरे आएंगे, फॉर श्योर. अब मैं ये चाहता हूं कि आप, मैंने आपको 5 कंजंक्शंस दिए हैं, एंड, बट और सो और येट. देखते हैं आपकी क्या स्कोर आता है. मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट में 5 जवाब पहले लिख लें अपने पास. 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, 3 में क्या आएगा, 4 में क्या आएगा, 5 में क्या आएगा. आई एंजॉय प्लेइंग द पियानो, माई सिस्टर प्रेफर्स प्लेइंग द गिटार. बीच में मुझे इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है. कैसे जोड़ू, एंड लगाऊं, बट लगाऊं, और लगाऊं, सो लगाऊं, येट लगाऊं, क्या लगाऊं जल्दी से. उसके बाद आपका 1-to-1 डिस्कशन सेशन वेट कर रहा है. आपने अपने पास लिख ले और फिर एक साथ एंटर दबाइएगा. 1, 2, 3, 4, 5. आपके पास 1 मिनट है, आपका टाइम शुरू होता है अब. आई एंजॉय प्लेइंग द पियानो, बट एंड और क्या लगाऊं, सोचे, लिख ले अपने पास. ही वेंट टू द ग्रॉसरी स्टोर, ही फिगॉट टू बाय मिल्क. ही वेंट टू द ग्रॉसरी स्टोर, ही फिगॉट टू बाय मिल्क. एंड, बट और सो येट, सोचे. शी लव्स रीडिंग नॉवेल्स एंड शी ऑल्सो इंजॉयज वॉचिंग मूवीज, बट शी ऑल्सो इंजॉयज वॉचिंग मूवीज. येट, जो आप सोच, लिखे अपने पास, लिख ले अभी. दे प्रैक्टिस फॉर आवर्स एंड दे परफॉर्म एक्सेप्शनली वेल इन द कॉन्सर्ट. येट, सो और बट. वी कैन गो फॉर अ वॉक एंड वी कैन ऑल्सो स्टे होम एंड वॉच अ मूवी. लिख लिया आपने. अब अपना स्कोर चेक करें, बताइए 5 में से 5 कितने लोगों के आए. आई एंजॉय प्लेइंग द पियानो बट. ही वेंट टू द ग्रॉसरी स्टोर बट. शी लव्स रीडिंग नॉवेल्स एंड दे प्रैक्टिस फॉर आवर्स एंड वी कैन गो फॉर अ वॉक और 5 out of 5. इट्स ओके. 4. वेरी गुड अरीबा. हाउ मेनी करेक्ट बाकी लोग ईमानदारी से? 4. दैट्स ग्रेट. ठीक है. आप क्या, आप, हमने अभी क्या डिस्कस किया? हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास जब हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो हमारे सेंटेंस की जो वेरिएशन है वो 4 होती है. आप लोग आज तक सिंपल वेरिएशन को ज्यादा इस्तेमाल करते हुए आए हैं. आई वॉन्ट यू टू यूज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इन योर स्पीकिंग एंड इन योर राइटिंग. अगर आपने ऐसा करना शुरू कर दिया और कल को आपको आयल्स राइटिंग और आयल्स स्पीकिंग का पेपर देना हुआ, तो अगर आपको कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पता है, कंपाउंड का पता है, यू विल स्कोर 7+ बैंड्स इन आयल्स राइटिंग एंड आयल्स स्पीकिंग. सर कल आप क्या डिस्कस करेंगे? कल भी हमारे 2 सेशंस होंगे आपके साथ, आज भी हमारे 2 सेशंस थे, ये दूसरा सेशन है आपके साथ. कल आपके साथ इंशाल्लाह हम यहां से कंटिन्यू करेंगे. हम बात करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन पर, ठीक है ना? हम सेंटेंस फॉर्मेशन से हमारा तीसरा लेक्चर स्टार्ट होगा. अगर आपने लेक्चर 1 को अटेंड नहीं किया है तो आप लाजमी तौर पर पहले लेक्चर 1 को सुने, उसका टेस्ट दे, और उसके बाद फिर आप लेक्चर 2 को सुने, उसकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करें, फिर टेस्ट, ठीक है ना? मिल जाएंगे आपको रिकॉर्डेड सेशन. आपके पास व्हाट्सएप के ऊपर चेक कीजिएगा, एक लिंक आ रहा है 1-to-1 डिस्कशन, राइट? 1-to-1 डिस्कशन में आप ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं. हम, मैं आपको एक पार्टिसिपेंट्स के साथ ऐड करूंगा. रोजाना 7 से 8 में हमारे पास 1-to-1 डिस्कशन का सेशन होता है, और इसकी एक्सेस आपके पास जब तक रहती है, जब तक आप हमारे स्टूडेंट हैं,
प्लस आजकल हमने एक ऑफर दी हुई है, 12 मंथ्स की हमने मेंबरशिप भी दी हुई है, जो स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लेते हैं कोर्स मुकम्मल करने के बाद 12 महीने तक तकरीबन, यानी कि जनवरी 2024 से ये ऑफर स्टार्ट हुई है और दिसंबर 2024 तक की ये ऑफर चल रही है। यानी कि आप ज्वाइन करें, कोर्स मुकम्मल करें और रोजाना रोजाना आप 1 घंटा अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। व्हाट्सएप चेक कीजिएगा, मैंने आपको एक लिंक फॉरवर्ड किया है, ज्वाइन कीजिएगा। 1-to-1 डिस्कशन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।